गुम है किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह ने नील भट्ट के साथ काम करने पर पहली बार तोड़ी चुप्पी। मीडिया इंटरेक्शन से बात में किया ऐसा खुलासा जिसे सुनने के बाद सैराट के फैंस का एक बार फिर हो जाएगा दिल गदगद। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। आयशा सिंह और नील भट्ट की केमिस्ट्री को लोगों ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है और पसंद किया है। वेल ये तो आप सभी को पता होगा, गुम है किसी के प्यार में शो के जनरेशन लीप के बाद आयशा सिंह और नील भट्ट एग्जिट ले चुके हैं। लेकिन ये एग्जिट के बाद से ही लगातार फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि आयशा और नील भट्ट की जोड़ी को जितना ज़्यादा पसंद किया गया था इन दोनों को एक बार फिर एक साथ आना चाहिए और एक बार फिर फैंस को बड़ा सौगात देना चाहिए। वेल इस पे मीडिया इंटरेक्शन से बात करते हुए टाइम्स नाउ के साथ आयशा सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आयशा सिंह ने सभी रूमर्स को बेसलेस बताया है। आयशा सिंह ने कहा है कि नील भट्ट और मेरी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उन फैंस का जिन लोगों ने इतना प्यार दिया है। साथ ही साथ आयशा सिंह ने यह भी खुलासा किया कि ये टोटली बेसलेस है जो ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और नील भट्ट और हमारे बीच में सारा रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम एक प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और प्रोफेशनल एक्टर्स होने के नाते हम एक दूसरे के साथ काम करने में कोई भी परहेज नहीं रखते हैं। आयशा सिंह ने यह भी कहा है कि अगर हमको और नील भट्ट को एक साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट और अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड और हम एक साथ काम करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए तो आयशा सिंह ने यह कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी केमिस्ट्री को अच्छा बनाने में 2 एक्टर्स का हाथ नहीं है, पूरी की पूरी एंटायर टीम का हाथ है। कॉकरो एंड साइका एंटरटेनमेंट को भी धन्यवाद किया है और आयशा सिंह ने ये जो बयान दिया है ये साफ खुलासा करता है कि आयशा और नील भट्ट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और ये दोनों इन द नियर फ्यूचर भी एक साथ काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका क्या है ओपिनियन आयशा सिंह के इस बयान पर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।